अच्छे होंगे, आवेश कि आप लोग अच्छे रहिए। तो आज हमारे घर पे पाठ रखा गया है पापा जी का और मम्मी जी का, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कैसे पाठ रखा जाता है। आज छोटा पाठ रखा है और कल बड़ा ब्रह्म भोज होता है हमारे यहाँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आज जो दान वान का होता है वो आज होता है हमारे यहाँ, उसका मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी बस सब चीज़ तैयारी हो गई है, नहाना धोना सब कुछ हो चुका है, बस अब जा रहे हैं हम लोग बाहर, खाने पीने की तैयारी चल रही है, तो वो आप लोग साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल तो बस यही है कि हम लोग नहा धो के सब लोग रेडी हो चुके हैं और अब बस पूजा की तैयारी हो रही है। बाहर चल रहा है पूजा, फिर आंगन में भी पूजा होगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चलिए फिर मैं आगे की दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, और कल का भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मतलब कैसे पाठ किया जाता है हमारे यहाँ। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये मेरे बड़े जेठ हैं जिन्होंने मम्मी और पापा दोनों लोगों का को मुखाग्नि दी थी, तो उन्हीं के थ्रू ये सारा काम हो रहा है। पंडित जी हो आ गए हैं आंगन में, ये दान वान होता है हमारे यहाँ, तो ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिसमें ये पहले दिन का पूजा है, इसे दसकर्म बोलते हैं, जिस दिन दान पुण्य किया जाता है, हवन वगैरह सब कुछ होता है, तो इस दिन भी छोटा मोटा जो है ना फंक्शन हो ही जाता है, जैसे 50-60 लोगों का खाना पीना हो ही जाता है, तो यहाँ पर वही चल रहा है और हवन वगैरह चल रहा है। चारों भाई पाँचों भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ इधर दूसरी तरफ जो है ना खाने की तैयारी हो रही है, तो वो भी मैं आपके दिखा रही हूँ कि क्या क्या बनता है। उसके लिए खाना बनाने वाला जो है ना हलवाई लगा हुआ है, जो खाना वाना बना रहा है, बाकी सारी फैमिली इकट्ठी हुई है हमारी, तो सब लोग मिले हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पंडित जी देखिए दान पुण्य का जितना भी कार्य कर्म है वो अपना कर रहे हैं, और जो जो चीज़ें उनको चाहिए वो मांग रहे हैं, सब कुछ इकट्ठा करके उनको दिया हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है। जो है ये मेन जो जिस दिन हमारे यहाँ होता है, इस दिन बहुत बड़ा वाला जो फंक्शन होता है खिलाने पिलाने का, भोग प्रसाद का, उसकी प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे। इवनिंग का है यहाँ पे, पूरे खाने की जो डेकोरेशन वगैरह है, जो भी है मतलब खाने पीने की चीज़ें को अरेंज किया जा रहा है। तो आज वाला जो ये हमारा भोग प्रसाद है वो काफ़ी बड़े स्तर पर होते हैं, 2,000-2,500 लोग खाना खाते हैं इसमें, तो इसमें गाँव और गाँव के आस पास के गाँव भी खाना खाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एक ट्रेडिशन अपने गाँव का, कि हमारे यहाँ पूरी देखिए इतनी बड़ी बनती है, ये पूरी कितनी बड़ी है, इतनी ही बड़ी पूरियाँ बनती हैं इसको झरू जो बोलते हैं ना, झरवी पूरी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये पूरी हमारे यहाँ बनती है, साथ ही साथ कचौड़ी भी बनती है। ये बनना मतलब ज़रूरी होता है हमारे यहाँ, ऐसी पूरी शायद आपने कभी देखी नहीं होगी, ये पूर्वांचल में ही बनता है, जैसे यूपी एंड बिहार में ही कई जगह बनता है, और ये काफ़ी मुलायम रहता है, इसको 2-3 दिन आप स्टोर करके रख भी सकते हैं, और ये हम लोग नहीं बना पाते हैं, ये जो कारीगर होते हैं जो बनाने वाले होते हैं हलवाई वही बनाते हैं। और यहाँ पे बुनिया जो बोलते हैं हमारे, बूंदी बोलते हैं ना, वो रखा हुआ है, और ये मेरे जेठ के बच्चे हैं, हम लोग सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सब बातें कर रहे हैं, और मैं चिढ़ा रही हूँ इन लोगों को कि तुम लोग मजदूरी मजदूर बन के काम करो, ऐसी मजाक मस्ती चल रही है यहाँ पे। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये शाम का है क्लिप, देखिए धीरे धीरे जो है ना लोग खाना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, अभी स्टार्टिंग हुई है, 7 o'clock से स्टार्ट हुआ था भोग प्रसाद, और कम से कम 12 बज गए थे
थे हम लोग, मतलब लोग खाए लास्ट तक जो खाना खाया था हमने, वहाँ पे जाके हमने 12 बजे खाना खाया। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि गांव में भी हमने मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था की थी पापा जी और मम्मी जी के भोग प्रसाद के लिए, और उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने भोग प्रसाद का कार्यक्रम रखा था। रखते ही हैं ये, हर कोई रखता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गाँव में ही हमने किया है, तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है इसकी यहाँ पे। और कई सारे लोगों ने मतलब यहाँ पे खाना खाया, और लास्ट कह सकते हैं अंतिम विदाई हुई है पापा और मम्मी की। मतलब कुछ कह नहीं सकती हूँ, कुछ वर्ड्स नहीं हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये आपको ये क्लिप शेयर करते हुए भी बहुत मन वो हो गया है, लेकिन मैं दिखा जरूर रही हूँ क्योंकि ये मैं अपना ट्रेडिशन दिखाना चाह रही थी यहाँ पे कि हमारे यहाँ कैसे किया जाता है भोग प्रसाद का। तो यही था आज का मेरा ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, और बहुत जल्दी मैं कंटिन्यू करूँगी और आप लोग से कनेक्ट हो जाऊँगी। तो अब इसी ब्लॉग के साथ मैं एंडिंग कर रही हूँ अपने इस वीडियो का, और थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे और आगे भी मिलता रहेगा मुझे पता है। तो चलिए फिर, बाय बाय एंड टेक केयर।